आज हम स्टफ्ड भिंडियाँ बनाएंगे, यानी मसाला भरी भिंडियाँ बनाएंगे। रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गोगी शेरी किचन पर। आज हम स्टफ्ड भिंडियाँ बनाएंगे, यानी मसाला भरी भिंडियाँ बनाएंगे। तो पहले आप भिंडियों को धोने का प्रोसेस देख लें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ ही जो बेल आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। भिंडी को आप आधा घंटा पहले पानी में भिगो दें, उसके बाद उसे अच्छी तरह हाथ से मलें और फिर उसके बाद उसे स्ट्रेनर में निकाल लें। अब हम स्ट्रेनर में निकालते हैं। अब मैं इसे दोबारा वॉश करती हूँ। और इसे खुश्क होने के लिए रख देती हूँ। पानी आप खुद देख लें कितना गंदा हो चुका है। अब हम भिंडियों को काटते हैं। इस तरह हम काटेंगे और इसको ऐसे बीच में काट लेंगे। इसी तरह फिर ऐसे, और ये बीच में कट लगाएंगे और इसमें हम मसाला भरेंगे। इस तरह ये सारी भिंडियाँ मैंने काट ली। अज़ा कुछ इस तरह से हैं। एक टीस्पून आमचूर, एक टीस्पून दादर की हुई मिर्च, एक टीस्पून गरम मसाला, एक टीस्पून लहसुन और एक टेबलस्पून ज़ीरा और पिसा हुआ धनिया, एक टीस्पून नमक, नमक आपने ज़्यादा नहीं करना वरना भिंडियों का सारा टेस्ट ख़त्म हो जाएगा, और एक टीस्पून सुरख मिर्च। अब मैं एक टीस्पून इसमें ऑयल डालती हूँ और इसको अच्छी तरह मिक्स करती हूँ। मिक्स करके फिर हम भिंडियों में डालते जाते हैं। एक किलो भिंडियों के लिए हमने ये सारा मसाला तैयार किया। अब मैं इसे बाउल में डालती हूँ और एक चम्मच ऑयल भी इसमें डालती हूँ और फिर हम इसे भिंडियों में भरते हैं। मसाले को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया, थोड़ा सा ऑयल डालकर अब मैं इसमें भरती जाती हूँ। इस तरह करके मैं सारी भिंडियों में मसाला भर लूँगी। अगर आप ये मसाला बना लें तो अच्छी बात है, वरना चार गोश्त मसाला आम मिल जाता है बाज़ार से, वो आप डाल लें। भिंडियों को मैंने मसाले से भर लिया है। अब हम इसको फ्राई करते हैं। सबसे पहले हम चार टेबलस्पून ऑयल डालते हैं। अब हम इसमें भिंडियाँ रखते हैं। भिंडियाँ मैंने डाल दी ऑयल में और इसे हम मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। दो तीन मिनट मैंने इनको दम दिया है। अब भिंडियाँ बिल्कुल तैयार हो चुकी, नरम भी हो चुकी हैं और मसाला भी इनमें जज्ब हो चुका है, देख लें। हमें चार पाँच मिनट हो गए हैं भिंडियों को पकाते हुए और हम चेक करेंगे। अब भिंडियाँ नरम हो चुकी हैं, थोड़ा सा मैं इनको दम दूँगी। दूसरी मरतबा ये मैंने भिंडियाँ डाली हैं, ये भी पाँच सात मिनट में पक जाएंगी।
जब ये इस चक्कर में आ जाएंगी तो हम इन्हें भी डिश आउट कर लेंगे। इस मौके पर आप नमक भी चख लें। तो लीजिए, इंतहाई मज़ेदार मसाला भरी भिंडी तैयार है। अगर आपका मसाला कम पड़ जाए तो भिंडियों को दो हिस्सों में काटकर नमक मिर्च छिड़क दें और मसाला भरी भिंडियों के साथ ही फ्राई कर लें। आप भी भिंडियाँ बनाएं और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।